हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स चारी। पांच बार की चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, क्या इस बार भी आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ट्रॉफी के साथ लेंगे रिटायरमेंट क्वेश्चन मार्क? क्या इस बार भी आईपीएल में छठी बार ट्रॉफी जीत पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स? क्या ये आईपीएल अपने नाम कर पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स? बड़े सवाल हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई है, थाला एमएस धोनी चेन्नई के कैप्टन हैं, और आज चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे इस वीडियो में। चेन्नई का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस क्या है, थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2024 में। तो सबसे पहले एक बार स्क्वाड देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का, जो इस बार का चेन्नई का पूरा स्क्वाड है। आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस वक्त एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, राजवर्धन हंगरगेकर हैं, रविंद्र जडेजा, अजय मंडल है, मुकेश चौधरी, पथराना, अजिंक्य रहाणे, शेख रसीद, मिचेल सेंटनर, सिमरजीत सिंह, निशान सांधु हैं, उसके बाद प्रशांत सोलंकी है, महेश तीक्षणा, रचिन रविंद्रा, शार्दुल ठाकुर को लिया, डैरिल मिचेल, समीर रिजवी, मुस्तफिजुर रहमान और अविनाश राव अरावेली। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स की भरमार है इस स्क्वाड में। आप देख लें, एम एस धोनी, मोइन अली, दीपक चाहर, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तो आप देख लीजिए एक एक करके लाइन है। प्लस अब इस बार यंग प्लेयर्स भी आ गए, जैसे रचिन रविंद्रा आ गए, समीर रिजवी आ गए, अविनाश अरावली राव आ गए, प्रशांत सोलंकी हैं, उसके अलावा सिमरजीत सिंह हैं, सेंटनर के पास एक्सपीरियंस है, अजय मंडल है, मुकेश चौधरी हैं। तो एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का बहुत अच्छा मिश्रण है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। अब जरा शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। सबसे पहले एक बार स्क्वाड देखें आप शॉर्ट एनालिसिस में। स्ट्रेंथ अगर हम देखें, सॉलिड एंड रिलायबल मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर बड़ा ही सॉलिड है। आप देखें, शिवम दुबे हैं, मोइन अली खेलते हैं, अजिंक्य रहाणे खेलते हैं, अब रचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल भी आए हैं, तो ये भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। रविंद्रा तो ओपन करेंगे, लेकिन मिचेल प्लस रविंद्र जडेजा और उसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी का फिनिशिंग टच, तो बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है। मतलब 3-4-5 प्लस आपका 6 और 7 बहुत तगड़ा है चेन्नई सुपर किंग्स का। उसके आगे गुड स्पिन डिपार्टमेंट, भाई स्पिन डिपार्टमेंट तो आप देख लें, तीक्ष्णा है आपके पास, सेंटनर है आपके पास, मोइन अली है, और आपके पास इंडियन सबसे बड़ा स्पिनर रविंद्र जडेजा तो है ही है। तो स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस है, जीते हुए हैं, चैंपियन प्लेयर्स है, पता है कहाँ गेंदबाजी कैसी करनी है, चेन्नई के विकेट पर कैसी बॉलिंग होनी और बाहर जहां जहां खेलने जाना है वहां पर क्या करना है, एक्सपीरियंस है, और इसीलिए 5 बार की चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन है। उसके अलावा आप देखें, मिक्स ऑफ मैच विनर्स, ऑलराउंडर एम एस धोनी द लीडर, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऑलराउंडर तो अच्छे ही अच्छे हैं, शिवम दुबे हैं, सेंटनर हैं, खुद रविंद्र जडेजा हैं, बहुत तगड़े तगड़े ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, द फिनिशर, द कैप्टन, द मैन बिहाइंड सीएसके सक्सेस, महेंद्र सिंह धोनी। आप चाहे सारी स्ट्रेंथ हटा दें, लेकिन एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो एमएस धोनी है। कोई नहीं सोच सकता था पिछला सीजन एमएसडी ऐसी बॉलिंग से जीत जाएंगे, तुषार देशपांडे और पथिराना जैसे बॉलर्स के साथ वो चैंपियनशिप जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत गए। क्यों? क्योंकि दिमाग, क्यों? क्योंकि कैप्टन, फिनिशर एम एस धोनी वहां पर मौजूद थे। अब जरा बात कर लेते हैं वीकनेस की, लैक ऑफ गुड डेथ बॉलर्स। अब यहां पर डेथ ओवर्स बॉलिंग में सीएसके को दिक्कत है, क्योंकि पथराना इंजर्ड है, मुस्तफिजुर रहमान बीच में क्रैम्स हुए थे, स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा था, लेकिन ज्वाइन करेंगे सीएसके को, बट उनकी बॉलिंग कैसी होगी? डेथ बॉलिंग में इकलौते आपके पास दीपक चाहर है, और उनके साथ साथ आप देख लें शार्दुल ठाकुर होंगे या यू नो मुकेश चौधरी होंगे, जो इंडियन नाम होंगे, इंडियन नाम इतने रिलायबल, तुषार देशपांडे, तो डेथ बॉलिंग में पिछले सीजन भी इनको दिक्कत हुई थी सीएसके को, तो यहां पर सीएसके की जो डेथ बॉलिंग है ये एक वीकनेस है। बॉलिंग डिपार्टमेंट, पेस, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत नजर आ रही है सीएसके की। और इस बार ऑक्शन में भी गए थे तो हम सब यही सोच रहे थे कि फास्ट बॉलर्स सीएसके लेगी अच्छे, लेकिन सीएसके बड़े फास्ट बॉलर्स से नहीं गई, बड़े फास्ट बॉलर सीएसके ने अपने स्क्वाड में नहीं लिए। अब बात करते हैं नो क्वालिटी ओवरसीज पेसर इन द ग्रुप, वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि यार ओवरसीज प्लेयर्स, जैसे टीमों ने पैट कमिंस को लिया, स्टार्क को लिया, किसी ने कॉटजी को लिया, किसी ने थुशारा को लिया, तो वहां पर ओवरसीज प्लेयर्स में थोड़ी सी यहां पर दिक्कत हो गई, ओवरसीज बॉलर्स चेन्नई सुपर किंग्स ने नहीं लिए। लेकिन पिछले सीजन थाला ने भाई
आप देख लीजिए, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी फिर भी चैंपियन बना दिया सीएसके को। तो मैनेजमेंट को धोनी पर भरोसा है, जो भी धोनी पिक करेंगे, जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसे सोना बना देंगे। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज पर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2024 में। फॉर न्यू मेंबर्स लाइक ऑफ मिचेल, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्रा, समीर रिजवी टू शोकेस देयर स्किल्स, यानी कि समीर रिजवी, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्रा के पास मौका है, पहली पहली बार आईपीएल खेल रहे होंगे। चलो मिचेल और रविंद्रा तो इंटरनेशनल प्लेयर्स में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं इंटरनेशनल सर्किट में, लेकिन समीर रिजवी जिसको 7 करोड़ रुपए दिए, इतना नाम हो गया उसका, वो आईपीएल में कैसा करेगा, थाला के साथ खेलेगा? तो अपने आप को एस्टेब्लिश करने का एक बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। शार्दुल होमकमिंग टू रीगेन हिज प्राइम फॉर्म विद सीएसके। शार्दुल के पिछले 2-3 सीजन इतने अच्छे नहीं गए हैं, शार्दुल ठाकुर आ रहे हैं दोबारा से चेन्नई सुपर किंग्स में, उनकी एक तरीके से घर वापसी हो रही है चेन्नई में। तो शार्दुल कैसी परफॉर्मेंस करेंगे, क्या अपनी फॉर्म, और इंडियन टीम से ही बाहर चल रहे तो क्या फॉर्म अपनी दोबारा से रीगेन करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। उसके साथ साथ शिवम दुबे, दीपक चाहर, गायकवाड़ टू मेक देमसेल्फ इन कंटेंशन फॉर T20 वर्ल्ड कप। जो दीपक चाहर है, शिवम दुबे है, ऋतुराज गायकवाड़ है, इनको और प्लस में रविंद्र जडेजा को भी इसमें ऐड कर दूं तो अपने आप को T20 वर्ल्ड कप के लिए भी साबित करना है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है तो कंटेंशन में नहीं होंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा सिलेक्टर्स के लिए कि भाई ये प्लेयर्स जिनको हम देख रहे थे ये तो आईपीएल में परफॉर्म ही नहीं कर पाए, तो अब किस मुंह से इनको लेकर जाएं। तो इनके पास मौका है कंटेंशन में आने का T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब बात कर लेते हैं जरा थ्रेट्स की, क्या क्या थ्रेट्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। तो विद अनअवेलेबिलिटी ऑफ कॉनवे, पथिराना एंड मुस्तफिजुर, इट कैन डीरेल सीएसके प्लान्स। मुस्तफिजुर तो आ चुके हैं, लेकिन जो पथिराना देर से आ रहे हैं या जो डिवॉन कॉनवे जो बाहर हो चुके हैं, वो किस तरीके से जब रिप्लेसमेंट आएगी, क्या परफॉर्मेंस इनकी हो पाएगी, क्योंकि कॉनवे की जगह रविंद्र आ रहे हैं, पहला आईपीएल सीजन खेलेंगे, 50-50 अच्छा भी जा सकता है बुरा भी जा सकता है, चेन्नई के विकेट पर कैसे अडेप्ट करेंगे, तो ये एक थ्रेट है। उसके अलावा आप देख लीजिए, न्यू ओपनिंग प्लेयर नीड्स टू गेट टू गो फॉर्म फ्रॉम वेरी फर्स्ट मैच। जो नया ओपनिंग प्लेयर है वो पहले ही मैच से उसको रन बनाने पड़ेंगे, वहां पर अगर रन नहीं हुए तो ऑफ रेल हो जाएगा सीएसके का कैंपेन आईपीएल 2024 का। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए कि यार जो नया ओपनिंग प्लेयर है रचिन रविंद्रा और आपका ऋतुराज गायकवाड़ का, ये क्लिक करना चाहिए पहले ही मैच से, जैसे कि कॉनवे और गायकवाड़ का क्लिक किया था। तो ये दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस था। तो एक बार जरा प्लेइंग 11 देख लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की शॉर्ट एनालिसिस के बाद। ये देखिए प्लेइंग 11, गायकवाड़, रचिन रविंद्रा, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, डेरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और मुकेश चौधरी, या मुकेश चौधरी की जगह आप तुषार देशपांडे को भी रख सकते हैं, और इंपैक्ट प्लेयर्स में आप समीर रिजवी और महेश थीक्षणा को लेकर आ सकते हैं। तो ये सीएसके की प्लेइंग 11 है और बड़ी कमाल की प्लेइंग 11 नजर आ रही है। पेस में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बैटिंग में तो कोई सवाल नहीं है। ऑप्शन जो आपके स्पिन डिपार्टमेंट में है उन पर कोई सवाल नहीं है, और चेन्नई की विकेट पर अच्छा ही करेंगे सारे लोग। तो चेन्नई की प्लेइंग 11 भी सॉलिड नजर आ रही है। थाला बतौर कप्तान, क्या आखिरी सीजन होगा, क्या आखिरी बार आईपीएल खेलेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि धोनी की आदत है जीत कर जाने की, तो क्या इस बार भी चेन्नई सुपर किंग्स को थाला पहुंचा देंगे फाइनल्स में, क्या इस बार चेन्नई मुंबई से आगे निकल जाएगा और 6 बार जीतेगा, 6 बार चैंपियन बन जाएगा, तो ये बड़े सवाल हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक और मौका है, और मुझे भी लग रहा है कि इस बार चेन्नई की टीम क्लिक करेगी और इस बार भी प्लेऑफ्स तक जाएगी। तो अब आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सीएसके को लेकर आपकी क्या राय है। एमएस धोनी बतौर कप्तान क्या चेन्नई को इस बार भी फाइनल्स खिलवा रहे हैं, जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।